नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। रोज मैं आपके सामने कुछ ऐसे विचार आपके साथ बांटती हूँ। आज जो मेरा टॉपिक है, चिंता, क्रोध, लालच, इन सब चीज़ों पे फोकस रहेगा। लोग अपने मन से चिंता तो मिटाना चाहते हैं, सफलता तो पाना चाहते हैं, पर हर कोई चिंता मिटाने का शॉर्टकट ढूंढता है। हर कोई अपने मन से क्रोध खत्म करना चाहता है, पर उसके लिए शॉर्टकट ढूंढता है। वो चाहता है कि मेरा भला हो, पर उसके लिए भी शॉर्टकट ढूंढता है। तो आज चिंता और क्रोध लालच को कैसे खत्म किया जाए, इसकी जो है आज मैं दो स्टोरीज के माध्यम से आपको कुछ शेयर करूंगी। तो हमारे मन में जब तक क्रोध और लालच रहता है, तब तक हमारा मन अशांत रहता है। अशांत इसलिए रहता है क्योंकि हमारे मन में निरंतर गुस्सा रहता है, लालच रहता है, तो वो हमारा मन शांत होने नहीं देता। और ये बुराइयां कैसे दूर हो सकती हैं? तो एक बार एक आदमी अपने किसी गुरु के पास गया और उसने बोला कि महाराज, मैं बड़ा अशांत रहता हूँ, बड़ा क्रोधित रहता हूँ, बहुत कोशिश कर ली पर मैं सफल नहीं हो पा रहा, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा क्रोध और लालच शांत हो जाए, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दो। तो गुरु ने कहा, ठीक है, आप ऐसा करना, कल मेरे पास एक दूध से भरा भगोना लेकर आना। तो जो राजा है वो गुरु के पास वो दूध से भरा भगोना लेकर जाता है और महाराज उसे कहते हैं कि ये इस बर्तन में डाल दो। वो जब राजा उस बर्तन को देखता है तो उस बर्तन में तो अनेकों छेद होते हैं। तो राजा कहता है, महाराज, आपने मुझे इस छेदों में डालने के लिए कह दिया, तो ये छेदों वाली छलनी में तो सारा दूध बाहर बह जाएगा, अंदर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर कैसे आपको दूध मिलेगा और आप मुझे कैसे समझा पाएंगे, कैसे काम चलेगा? तो गुरु महाराज ने एक बताया कि जिस तरह से हम दूध इसमें डालेंगे वो छेदों के माध्यम से इस बर्तन में से निकल जाएगा, ऐसे ही अगर तुम्हें अपना क्रोध और लालच खत्म करना है तो ज्ञान की बातें अपने मस्तिष्क में यहाँ बिठानी होंगी। किसी गुरु के पास, किसी आचार्य के पास जाने का फायदा तब है कि जो तुम ज्ञान की बातें सुनकर आ रहे हो उनको वाकई ही आकर अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करो। हम क्या करते हैं, बड़े सारे लोगों के पास जाते हैं, उनके प्रवचन सुन के आते हैं, लोगों के सामने अपना बड़ा गुणगान करते हैं, हम इस गुरु को मानते हैं, इस प्रभु को मानते हैं, इस बाबा जी को मानते हैं, पर कभी कभी किसी व्यक्ति को जिंदगी में बहुत कुछ मिल जाता है और जिसके वो लायक नहीं होता, जिसके वो काबिल नहीं होता, तो जब उसे वो चीज़ मिलती है तो उसे उसकी कदर नहीं होती। तो एक कहानी इस माध्यम को भी मैं आज सुनाने जा रही हूँ। एक राजा वन भ्रमण के लिए जाता है और उसे कोई रास्ते में भूख प्यास से पीड़ित होता है और एक वनवासी की झोपड़ी मिलती है। वो वनवासी उसे खाने पीने की वस्तुएं देता है, बदले में राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, जंगल में रास्ता भूल गया था, मैं तुम्हारी सज्जनता से बहुत प्रभावित हुआ हूँ, तुम आकर मेरे महल में रहो। महल में आकर उस वनवासी को वो एक अपना चंदन का बाग दे देता है जो राजा को बड़ा प्रिय होता है। वनवासी को समझ नहीं होती, वो रोज़ चंदन की लकड़ी काटता है, बाजार में बेचता है और अपना जीवन यापन करता है, गुजारा करता है। तो इसी तरह से उसकी गुजारे की व्यवस्था चलने लगी और वो कोयला बना बना के बेचता है। जब एक दिन उसके पास आखिरी वन रह गया और कोयला उसका बिका नहीं, क्योंकि वो लकड़ी से कोयला बनाकर बेच रहा था, उसको यही आता था। तो जब वो बाजार में गया तो लोगों ने कहा, तेरे पास ये चंदन का पेड़ और चंदन की लकड़ी कहाँ से है? उसने कहा, ये तो मैं ऐसे ऐसे वहाँ रह रहा था, वहाँ से। वो कहते, ये तो चंदन बड़ा कॉस्टली होता है और तूने कोयला बनाकर बेच दिया, क्या तुझे इतना भी नहीं पता था? अगर अभी भी चाहे तो इस बहुमूल्य चंदन को कोड़ी के भाव मत बेच, उस बाग को दोबारा से पैदा कर और अपनी जिंदगी का उद्धार कर। इसी तरह से हमारा जो जीवन हमें मिला है वो बहुमूल्य है, इसका एक एक क्षण कीमती है, जब संभले तभी सवेरा। बहुत गवाकर भी मनुष्य अंत में संभल जाता है तो भी बुद्धिमान ही माना जाता है। तो मेरी आज ये वीडियो मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ, वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं सारे इंस्टाग्राम,
सोशल मीडियाज पे उपलब्ध हूँ, और अगर आपको मोटिवेशनल थॉट्स के रूप में कुछ पढ़ना हो, कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग के रूप में कुछ पढ़ना हो, तो आप मेरे ब्लॉग drinuarora.in पर जा सकते हैं, मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।